दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आपका स्वागत है YouTube चैनल अमेजिंग ज्ञान में। दोस्तों आपने घर में छिपकली को कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि छिपकली अपनी खुद की पूंछ काट सकती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर छिपकली अपनी खुद की पूंछ क्यों काटती है और कटी हुई पूंछ क्यों हिलती रहती है, इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, ये जो छिपकली अपनी खुद की पूंछ काटती है इसको एटोडर्मी कहा जाता है, और छिपकली जैसे बाकी के जीव भी अपनी पूंछ को काट सकते हैं और दोबारा उगा भी सकते हैं, जैसे कि जो बेयर्ड ड्रैगन होता है, साथ ही इग्वानाज है, साथ ही कई अन्य जीव भी है, जैसे कि क्रेस्टेड गेकस भी अपनी खुद की पूंछ काट सकती है लेकिन दोबारा उगा नहीं सकती है। देखिए दोस्तों, जब छिपकली को कभी खतरा होता है, जब कभी शत्रु अटैक कर रहा होता है, तो खुद का बचाव करने के लिए, शत्रु का ध्यान भटकाने के लिए अपनी खुद की पूंछ काटती है। और कटी हुई जो पूंछ होती है वो बाद में लगभग आधा घंटे तक हिलती रहती है। इससे होता क्या है कि छिपकली खुद का बचाव कर सकती है। जैसे कि उसकी पूंछ हिलती रहती है तो वो जो शत्रु होता है उसका ध्यान उसके जो पूंछ है, कटी हुई पूंछ है, उस पर रहता है, और उसी दौरान छिपकली भाग सकती है, यानी कि खुद का बचाव करके भाग सकती है। साथ ही दोस्तों, छिपकली अपनी पूंछ कटने के बाद दोबारा उगा सकती है, और उसको लगभग 60 दिनों का यानी कि 2 महीनों का वक्त लगता है। देखिए, जो कटी हुई पूंछ होती है वो बाद में कैसे हिलती रहती है। देखिए, जो छिपकली होती है उसके शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिग्नल को फायर करता रहता है, और जो ये जो फायरिंग सिग्नल होता है वो लगभग पूंछ तक ये सिग्नल फायर होता रहता है, और पूंछ कटने के बाद भी ये जो सिग्नल होता है उसके पूंछ में वहाँ पर रहता है, और जिसकी वजह से पूंछ कटने के बाद भी वहाँ पर ये जो पूंछ होती है वो हिलती रहती है। देखिए, छिपकली की पूंछ क्यों और कैसे कटती है। देखिए, छिपकली की पूंछ बेसिकली नाजुक होती है और उसके पूंछ पर एक फ्रैक्चर्ड लाइन होती है, यानी कि उसको फ्रैक्चर्ड प्लेन कहा जाता है। और अगर कोई शत्रु छिपकली पर अटैक करता है तो होता क्या है, ये जो फ्रैक्चर्ड लाइन होती है वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिसके वजह से ये जो पूंछ होते हैं बॉडी से अलग हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से छिपकली अपनी खुद की पूंछ काट सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।